यहाँ पे 90% जो बाइक आते थे वो कहाँ से आते थे? चाइना से आते थे। इंडियन कंपनी गई सब वहां पे। इंडिया का मार्केट अभी 90% हो गया। आज चाइना का, अफ्रीका में चाइना की कंपनी ने कब्जा कर लिया था मोटरसाइकिल मार्केट को। वर्ल्ड, पूरी दुनिया का मोटरसाइकिल, अफ्रीका जो देश था, यहां गरीबी बहुत ज्यादा है, और यहां पे 90% जो बाइक आते थे वो कहां से आते थे? चाइना से आते थे। 90% पूरे इस महाद्वीप में बेचता था कौन? चाइना 90%। जापान और यूरोप, जापान की कंपनी भी बाइक बनाती थी, कुछ यूरोपीय कंपनी भी, लेकिन बहुत महंगा आते थे। लेकिन चाइनीज मोटरसाइकिल बहुत सस्ता होने की वजह से पूरी 90% अफ्रीका में मोटरसाइकिल कहां से बेची जाए? और 200 कंपनियों के मोटरसाइकिल बिकते थे। चाइना की कितनी कंपनी है? 200। हमारे यहाँ 5-6 मोटरसाइकिल की कंपनी है। एक हीरो है, होंडा है, बजाज है, टीवीएस है, मेनली यही ज्यादा चलता है। सुजुकी भी है, रॉयल इनफील्ड भी है, बुलेट भी है, मतलब 5-7 को फेमस है। यमाहा है, यमाहा जापान की है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आपको यही सर, अपाची गधा टीवीएस की है कंपनी, टीवीएस है ना, बाइक का नाम बता देता है गधा सब। वहां 200 से ज्यादा कंपनियां थी सब। सोचिए, किसी महाद्वीप पर कब्जा, आप समझ रहे हैं, भारत नहीं है, महाद्वीप पर कब्जा। अब पूरे महाद्वीप पर किसकी बाइकें बिक रही थी? देखो एक गधा का रहा सर, पल्सर बजाज का आता है तुमसे ज्यादा तो लड़कियां जान रही सब। स्कूटी किसका आता है? सबका आता होगा, बजाज, एक्टिवा, एक्टिवा वही फेमस है। हाँ सही, नहीं लड़की सब लोग के लिए स्कूटी ठीक है। उस अच्छा, स्कूटी देख के लड़की का वो लगता भी है कि लड़की के लिए है, ठीक ठाक रहता है, वहां पे हल्का भी रहता है वहां पे ना, इतना भी हल्का नहीं रहता। सही बात है, हमको लगा था कि हल्का है, देखने में हल्का लगा। एक बार हम गए उठाने के लिए, फिर हम कहे बेइज्जती हो गया मेरा उठवे नहीं किया भारी होता है वहां पे तो समझिए, अब प्राइवेट कंपनियों को समझिए। भारत सरकार ने कहा कि भाई इंडिया वाले, क्योंकि ये तो आंकड़ा देना सरकार का काम है, सरकार ने आंकड़ा दे दिया, यहां पर भारतीय कंपनी गई सब कहां पे? अफ्रीका में। चाइनीज मोटरसाइकिल बड़ी जल्दी खराब होता था, और चाइनीज खराब सामान की एक सबसे बड़ी खासियत, बेचने के बाद उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा आपको। इंडियन कंपनी गई सब वहां पे, टीवीएस एंट्री मारी, टीवीएस, बजाज, हीरो, समझ गया। आज चाइना का 200 कंपनियों में से महज 12 कंपनी बचे हैं, बाकी को घर जाना पड़ा, और इंडिया का मार्केट अभी 90% हो गया, कब्जा करके बैठ गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? क्या ये सरकारी कंपनी कर सकते थे? सरकारी कंपनी कभी नहीं कर